सभी नमस्ते भीम हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हिंदू शास्त्र में तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। सुबह तुलसी जी में जल चढ़ाया जाता है और शाम को तुलसी जी में दिया लगाया जाता है। और दिए लगाते समय हमें यह तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होगा। तो चलो हम आपको जानकारी बता देते हैं। सबसे पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। दिए लगाते समय हमें सबसे पहले घी का दीपक ही जलाना चाहिए और दीपक खाली नहीं जलाना चाहिए। उसमें कुछ अनाज के दाने डाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम चावल के दो दाने डाल लेना चाहिए। और दीपक लगाते समय हमें यह आसन देना चाहिए, क्योंकि शाम को हमें दीपक जब भी लगाते हैं तो तुलसी के नीचे लक्ष्मी जी का वास होता है और प्रसन्न होकर हमें हमारे घर में धन धान्य की संपत्ति आती है। तो जो भी व्यक्ति शाम के समय दिया लगाता है तुलसी जी में, ध्यान रखना है कि तुलसी जी में तेल का दीपक नहीं जलाया जाता है। दीपक के नीचे हमें कुछ चावल के दाने रख देना है, क्योंकि यह चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए, तभी हमें पूजा का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ हम चावल के दाने रख देंगे और तुलसी जी की हम आरती करेंगे। जय हो मेरी तुलसी मैया, सबके दुख दूर करना। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को तुलसी जी में ना ही जल चढ़ाया जाता है, ना ही तुलसी तोड़ी जाती है और ना ही तुलसी जी को छुआ जाता है। जो भी व्यक्ति शाम के समय तुलसी जी में दीपक लगाता है उनके घर लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान हो जाती है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। श्री शिवाय नमस्तभ्यम हर हर महादेव।